दिल्ली के साबा डेयरी हत्याकांड का आरोपी साहिल पुलिस की गिरफ्त में है। 2 दिन की रिमांड के बाद पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। पूछताछ में साहिल ने पुलिस को बताया कि वह पीड़िता के साथ रिलेशन में था, लेकिन वह कुछ समय से उसे इग्नोर कर रही थी, जिससे वह गुस्से में था। खास बात यह है कि नाबालिग पीड़िता के पिता को भी इस रिश्ते के बारे में जानकारी थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस FIR में इसके बारे में बताया। दिल्ली के साबा डेयरी इलाके में 28 मई की शाम 16 साल की नाबालिग लड़की की चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी गई थी। चाकू से हमले के बाद जब पीड़िता गिर गई, आरोपी पास में पड़े पत्थर को उठाकर उसके सिर पर कई बार मारा। ये पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पीड़िता के पिता को उसकी एक सहेली ने दी थी। IR में दर्ज पिता के बयान के मुताबिक उनकी बेटी पिछले 10 दिन से नीतू नाम की सहेली के पास रह रही थी। 28-29 मई की दरमियान रात को नीतू पीड़िता के घर पहुंची और उसके परिजनों को बताया कि साहिल नाम के लड़के ने उसकी बेटी को चाकू और पत्थरों से मार दिया। पिता ने नाबालिग बेटी को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह गुस्सा होकर घर छोड़ देती थी। पीड़िता के पिता ने बताया कि मेरी लड़की अक्सर हमारे सामने साहिल का जिक्र करती थी, लेकिन हम उसे समझाते थे कि बेटा अभी तू छोटी है, तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है। जब भी हम उसे समझाते तो वह हमसे नाराज होकर अपनी सहेली नीतू के पास चली जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।